इससे मैंने ये अज्यूम किया है कि अगर आप जो जीनियाती मसाइल हैं और जो बीमारियां हैं अगर आप उन पे काबू पा लेते हैं तो फिर कजन मैरिजेस कोई जुर्म नहीं है। जी हाँ, इसमें देखें कजन मैरिज तो हकीकत कोई भी वैसे भी जुर्म नहीं है। ये तो आपने मेरे ख्याल है बहुत बड़ा लफ्ज जब इस्तेमाल कर मैंने अजराए लिया। तफन्नुन बोला क्योंकि हम जब मेडिकल साइंस की तरफ से ऐसी कोई एडवाइस आती है तो लोग उसको रिएक्ट करते हैं, वो समझते हैं कि डॉक्टर जो है ना वो खामखाई कजन मैरिजेस की नहीं मुखालफत देखें करते हैं, तो इसलिए मैंने ये जुर्म का लफ्ज बोला। देखें दुनिया में दो तरह की मेडिसिन है जिसको मौजूद है। एक मेडिसिन वो है कि जिसे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं, दूसरी वो जिसे हम इंटरवेंशनल मेडिसिन कहते हैं। तो पहली जो टाइप है जिसे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं, इसके अंदर आप अपनी तमाम तर एफर्ट्स लगाते हैं बीमारियों को, किसी के पूरी सोसाइटी को आप बीमारियों से महफूज कर लें, इसे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं। जबकि दूसरी टाइप की मेडिसिन में आप प्रिवेंशन के ऊपर काम करें ना करें, लेकिन जब मरीज होगा तो उसके इलाज के ऊपर बात करते हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ असल में प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब यह है कि अगर आपने कज़न मैरिज कर ली है तो जी ये आपका ज़ाती मसला है, डेफिनेटली जिसका भी मसला है उनका ज़ाती मसला है। लेकिन यह है कि उसके लिए आज की मॉडर्न साइंस में ये बहुत ये मुमकिन है कि हम उन दोनों लोगों का जो है वो जीनोम सिक्वेंस करें और उसके नतीजे उसके अंदर देखें कि यहाँ पर कौन सा डिजीज़ काजिंग जो है वेरियंट्स मौजूद हैं, और क्या वो डिजीज़ काजिंग वेरियंट्स जो हैं क्या अगली नस्ल के अंदर कोई बीमारी जो है इनहेरिट कर सकते हैं। अगर तो वो इनहेरिट कर सकते हैं तो फिर हम उनको जो है उनकी काउंसलिंग के जरिए, इस काउंसलिंग को हम जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं कि यानी कि डीएनए की इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, कि जहाँ पर हम उनको उस बीमारी के से जो मुमकिन जो भी असरात होंगे उससे आगाह करते हैं। तो फिर वो इस बारे अंदर सोच सकते हैं, उनके ऊपर जो इकोनॉमिक बर्डन आएगा, जो फाइनेंशियल बर्डन आएगा, फिर साइकोलॉजिकल बर्डन जो कि सबसे बड़ा बर्डन होता है वो आएगा, वो उस तमाम के बारे में क्या सोचते हैं। और ये पूरा एक प्रोसीजर है जो इस तरह से लॉन्ग टर्म चलता है। तो वो इस तरह से अभी तो अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में चूंकि हेल्थ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते और प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर तो हम बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम्स या इस तरह से जेनेटिक काउंसलिंग का तस्वुर वो मौजूद नहीं है। लेकिन यह है कि बहुत सी जो नेशंस हैं उन्होंने इस जेनेटिक काउंसलिंग के ज़रिए से ऐसी बहुत सी जीनियाती बीमारियां जो हैं उनको कंट्रोल किया, और अपनी जो है उधर जो है वेल बींग ऑफ द ह्यूमन जो है उसको वहाँ उन्होंने प्रमोट किया। आपका अमेरिका में जो प्रोजेक्ट है रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका ड्यूरेशन कितना है? हाँ, अभी तो यह है कि उदाहरण तो सुनने में जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा जी कोरोना की वजह से स्मेल लॉस क्यों हो रहा है, आप इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि शायद ये एक चुटकी बजाने का खेल होगा। लेकिन जैसे कि हमारे पास जो है ना 5 साल के लिए ये फंडिंग मौजूद है और हम 5 साल तक जो है इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, यानी हम इस 5 साल तक इन्वेस्टिगेट करने का मकसद कि इस टाइम के अंदर अंदर जो है हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और चूंकि इस वक्त जो है हम ऐसी स्टेज पर हैं कि जहाँ पर हमें क्लूज मिल रहे हैं कि हाँ ये चीज़ पॉइंट ए, पॉइंट बी या पॉइंट सी, ये ऐसी चीज़ें जगह हैं कि जहाँ की जिनके अंदर किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है ना स्मेल लॉस हो रहा है, तो हम अभी इसको इस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी समझ की आसानी के लिए कह सकता हूँ कि आप 4 साल मजीद इस प्रोजेक्ट पे अभी काम जी करेंगे। बिल्कुल अच्छा, कमिंग बैक टू द प्राइम यूथ एज, 18 साल की उम्र में हैं आप, और आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे एक स्टूडेंट को कि जो इंटरमीडिएट एफएससी पास है और वो अपना यूनिवर्सिटी के जरिए से एक कैरियर पाथ डिजाइन करने लगा है, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? जैसे हमारे यहाँ एक कल्चर है कि यूनिवर्सिटी जाना है, लाइफ को एंजॉय करना है, और एंड ऑफ द डे 4 साल गुजार के फिर आप जॉबलेस हैं और डिग्री हाथ में है, लाखों रुपए आप यूनिवर्सिटी को दे चुके हैं, तो आप 18 साल के बच्चे को क्या समझाना चाहेंगे? जी हाँ, ये मेरा ख्याल ये भी काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल, यूनिवर्सिटी जाएं, बच्चे जाएं और लाइफ को एंजॉय करें, हमने भी किया और यकीनी तौर पर आपने भी किया होगा। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि सब के साथ जो है एक उस स्टूडेंट के जब हम दर्जे पे देखते हैं तो वहाँ पर एम्बिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस स्टूडेंट की अपनी एम्बिशन क्या है। दूसरा जब हम देखते हैं तो ये आप अगर देखें तो मैं इसको नेशनल लेवल पे जो है एक प्रॉब्लम देखते हैं, कौमी सतह का मसला देखता हूँ कि आपका स्टूडेंट जो है, हमारा स्टूडेंट, हम भी और हम आम तौर पे हम रोज़ाना जब अभी तो मैं पाकिस्तान में हूँ और हम लोगों को मिलते हैं, आप भी मिलते होंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर उनकी कैरियर के हवाले से काउंसलिंग का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। फिर उनके यहाँ जो प्रोग्राम्स मौजूद हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी क्या क्या प्रोग्राम करा रही है,
उसके लिए भी उनके पास जो है कोई गाइडेंस मौजूद नहीं है कि किस प्रोग्राम को ऑप्ट करने के बाद उनके लिए क्या करियर पाथ है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमें नेशनल लेवल पर जो है एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम जो लाना चाहिए, जो बच्चों के साथ जो है कम से कम एलिमेंट्री स्कूल से साथ चले, कि जिनमें जो उनके जो टीचर्स हैं वो उनकी सलाहियतों को देखें, उनके इंटरेस्ट को देखें, उनके एम्बिशंस को जाने जांचें, और फिर उनके मुताबिक उसके मुताबिक जो है उनकी गाइडेंस का एक सिलसिला बने, और फिर उस सिलसिले को वो जो है आगे लेकर चले। तो ये जो है मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हमें कौमी सतह पर ऐसे एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि जब हमारा एक वो 18 साल का नौजवान जो कि इंटरमीडिएट करता है, तो उसने हाथ में जो है एक उसके पास सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर के अलावा कुछ नहीं होता, जो उसके रिजल्ट कार्ड होता है, उसके पास किसी तरह की गाइडेंस नहीं होती, उसके पास किसी तरह की इस चीज़ तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती कि कौन सा कैरियर पाथ उस शख्स के लिए, उस शख्स की एम्बिशन के लिए, उसकी शख्सियत के लिए जो है इम्पोर्टेंट बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम ये चीज़ को उस लेवल के ऊपर एड्रेस कर सकें, तो फिर जो है कि अल्टीमेटली वो शख्स यकीनन जो है कि एक सूदमंद जो है शहरी साबित होगा, और उसके अंदर जो है फिर हम उससे जो है कौमी सतह पर जो है इस ऐसे प्रोजेक्ट है उसके जो है ना नतज देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स के लिए चूंकि ऐसा करना जो वो चूंकि कौमी सतह पर ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करना वो तो किसी इनकलाब के इस वक्त मुतरादिफ होगा, लेकिन यह है कि स्टूडेंट्स के लिए यह है कि वो अपना बहुत सी चीज़ों को स्टडी करें, पढ़ें, जनरल पढ़ें, जनरली चीज़ों के बारे में पढ़ें, डिफरेंट कैरियर पाथ्स के बारे में पढ़ें, डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में पढ़ें, और उसके बाद जो है अपने ये इस चीज़ को महसूस करें कि उनका एम्बिशन क्या है और वो किस करियर पाथ को आगे लेकर चलना चाहते हैं। अच्छा, यानी हमारा जो एक अमूमी रवैया है कि हम पॉपुलर ट्रेंड्स के साथ जा रहे होते हाँ हैं, यानी FSC की है तो एक टाइम था कि जी लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं तो धड़ाधड़ लोग मेडिकल में एडमिशन लेने लग गए, फिर इंजीनियरिंग का दौर आया, फिर IT का दौर आया, अभी भी है, तो कंप्यूटर साइंस में लोगों ने एडमिशन लेना शुरू किया, फिर पता चला कि जो आपका फार्मेसी की डिग्री है वो बहुत वैल्यूएबल है, फिर स्टूडेंट्स उस तरफ दौड़े, फिर पता चला कि नहीं फिजियोथेरापी भी एक ब्रांच है तो इसमें भी एडमिशन लेना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो बिफोर एंटरिंग टू एनी 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वो पहले इस चीज़ की खूब छान पड़ता है, FSC के बाद उसके पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं और किस तरह से वो अपने कैरियर पाथ का आगाज करे ताकि कल को 4 साल या 6 साल इवन MS करने के बाद भी बहुत से लोग हैं जो जॉबलेस होते हैं, तो उन्हें फिर लाइफ में किसी स्टेज पे जाके पछताना ना पड़े या उनके पेरेंट्स को फिर ये तकलीफ ना हो कि बच्चों पे इतना खर्च भी किया है और वो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, और उनको इस चीज़ के ऊपर जो है वो अमल करना चाहिए। बाकी जो ट्रेंड्स आते हैं इनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि असल में ये ट्रेंड्स जो हैं वो बहुत बेबुनियाद होते हैं पाकिस्तान, खसूसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह यह है कि हम देखते हैं कि चंद एक लोग जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं तो दूसरे लोग उसको कॉपी करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो यहाँ हमें यह समझना होगा कि पाकिस्तान की जॉब मार्केट जो है वो चलती कैसे है। तो अमूमी तौर पर यह है कि पाकिस्तान जो है, चूंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज तो मौजूद नहीं है, और वो इंडस्ट्री किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री की हम बात कर लें, या हम किसी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात कर लें, तो या फिर इसी तरह से हम IT इंडस्ट्री की बात कर लें, या वट्स एवर कोई भी किसी दूसरी तरह की इंडस्ट्री, तो ऐसी इंडस्ट्री जो है वो मौजूद नहीं होती। फिर हम अपने सामने कुछ सेट एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये जो है फलाने शख्स ने ये किया था, वो तो बड़ा वेल सेटल्ड है, तो हम उसकी एग्जाम्पल जो है उसको रेप्लीकेट कर लेते हैं। अब उस शख्स का एम्बिशन, उसको मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ और उसका अंदर मौजूद टैलेंट और उसको मिलने वाली मेंटोरशिप, वो सारी चीज़ें जब आप उसे कंबाइन करते हैं तो उस एक शख्स का कैरियर जो है वो बनता है। लेकिन जब हम जब ऐसी किसी ऐसी एग्जाम्पल को सामने रखते हैं, तो हम उसमें से तमाम फैक्टर्स को निकाल के सिर्फ उसकी डिग्री को सामने रख लेते हैं, और उसकी बुनियाद पर जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो एक मुकम्मल एनालिसिस नहीं होता। तो जब ऐसा मुकम्मल हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर हम नहीं देखते, तो हम एक जो है इन अप्रोप्रिएट एनालिसिस की बेस के ऊपर जो है एक राय बना लेते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि वो राय जो है अमूमी तौर पर जो है वो दुरुस्त साबित नहीं होती। तो ऐसे के अंदर जो मैंने पहले बात की वो यही है कि ऐसे में जो हम के लिए कैरियर एम्बिशन एम्बिशन या कैरियर काउंसलिंग जो है प्रोग्राम वो ऑलरेडी उनके साथ कम अज़ कम एलिमेंट्री स्कूल की सतह से जो है वो होना चाहिए। अभी आपकी बात से जो है ना मुझे एक बड़ी वो बात याद आ गई कि आप अभी किसी भी जो है आप देख लें, अगर माँ बच्चों का जो रिलेशनशिप होता है तो अक्सर माएँ वो कहती हैं कि मेरा बेटा जो है बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, तो वही माँ जो है थोड़ी देर बाद कहती है मेरा बेटा जो है वो बड़ा होकर फौजी बनेगा, फिर वही कहती है कि मेरा बेटा जो है वो बड़ा होकर पायलट बनेगा। क्योंकि ये सारे वो प्रोफेशन है कि जिनको सोसाइटी के अंदर रेस्पेक्टेड
समझा जाता है और उन इन प्रोफेशंस को फाइनेंशियली जो है बहुत वेल मैच्योर समझा जाता है। तो ये वजह वजूहत है जिनकी बुनियाद पर, इन फैक्टर्स की बुनियाद के ऊपर जो है हम चूज करते हैं कि हमारा या हमारे बच्चे का या हमारे घर में दीगर अफराद जो उनका प्रोफेशन क्या होगा, और हम इस चीज़ को जो है पसे पुश डाल देते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ की इंडस्ट्री मौजूद है, हमारे पास किस चीज़ के ऊपर जो है आगे बढ़ने के चांसेस हैं। आज की जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो उस वर्ल्ड जैसी नहीं रही कि जो कि आज से शायद 20 साल पहले थी। आज का तो आइडियाज़ का दौर है, यहाँ पर लोग नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, वो नई से नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और जो है वो दुनिया को तस्खीर किए जाते हैं। तो पहले इससे पहले ये सारा काम जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट करता था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता गया था, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली होती थी जो इस सारी चीज़ों को आगे लेकर चलती थी। तो अभी अभी वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो है उस आइडिया का मोहताज है जो एक नया नौजवान लेकर आता है। तो बस ऐसी सिचुएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे नौजवान जो है उसको जो है पहचानने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, उसे खुद शनासी की ज़रूरत है कि जिसके अंदर वो अपना पोटेंशियल जो है उसको उसकी पहचान करें और फिर उसको आगे लेकर चले। लेकिन फिर मैं अपनी पिछली बात को इसके साथ दोबारा से अटैच करूंगा कि ये काम जो है सिर्फ नौजवान कर नहीं सकता जब तक के मुल्की सतह पर या रियासती सतह पर इन चीज़ों को आगे ले जाकर आगे चलकर जो है उनके लिए कोई पाथ जो है वो मौजूद ना हो। तो फिर एक और फैक्टर, इन तमाम प्रोफेशंस जिनका हमने जिक्र किया उसमें कामयाबी का एक फैक्टर, इंक्लूडिंग इसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगा, हम इस चीज़ इस बुनियाद को करते हैं कि बहुत से लोग, खैर हम तो चूंकि रिसर्च और पढ़ने के लिए अमूमी तौर पर बाहर गए, तो जो हमारे दूसरे लोग जो हैं वो जॉब्स के लिए बाहर जाते हैं, तो इसको भी हम कामयाबी का एक स्टैंडर्ड मानते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी सिमत देखें इसका, अगर हम रियासती सतह पर इसका एक पर्सपेक्टिव देखते हैं तो आप देखेंगे तो ये ऐसा जाना आप अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने शहर को, अपने मुल्क को, अपने घर को, इन तमाम चीज़ों को छोड़कर दूसरी जगह मूव होते हैं कि जिसकी वजह क्या है कि इसका सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही इसके पीछे मुहर्रक है, वो ये कि आपके पास अपने मुल्क और अपनी जगह के ऊपर जो है प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो जो है पब्लिकली स्पॉन्सर्ड है, वो स्टेट का सिस्टम है। एक स्टेट जो है वो 18, 20 या 22 साल लगाकर एक नौजवान जो है वो तैयार करती है। जब वो नौजवान तैयार हो जाता है तो उसके बाद जो इस मुल्क को छोड़कर, यानी इस मुल्क के जो असासे उसके ऊपर इन्वेस्ट होते हैं वो छोड़कर जो दूसरे मुल्क चला जाता है। इसलिए हमें रियासती सतह पर जो है ऐसे करियर काउंसलिंग और ऐसे नौजवानों को आगे लेकर आने के जो है प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स उसका आगाज़ करना होगा जो कि इंडस्ट्री और दुनिया की जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो नीड्स हैं उसके साथ इंटरलिंक्ड हो। बहुत शुक्रिया। सवालात तो भी बहुत से हैं लेकिन हम आपको जहमत देंगे किसी टाइम वीडियो लिंक के थ्रू हम आपसे मजीद भी प्रोग्राम करें। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद शेब अख्तर अमेरिका में शोबे में अपना नाम बनाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने में मसरूफ हैं। डॉक्टर शेब जैसे बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो इसका दुनिया भर में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिनके जरिए पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की इज्जत में न सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि उससे हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी मिलकर कुछ ऐसा सोचेंगे कि जिसके नतीजे में हम पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है उसके अंदर कोई रेडिकल तब्दीलियां ला सकें, यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज अच्छी कर सकें, यहाँ पे रिसर्च के, तहकीक के और साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है उसके हम इदारे कायम करने में कामयाब हो सकें। इसके लिए हमारी तवक्कुआत ओवरसीज पाकिस्तानी से हैं और हमेशा रहेंगी। हमें उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो दोस्त हैं वो अपने मुल्क के बारे में इस पहलू पर ज़रूर सोचेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद मौविया को इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।